वीडियो तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आइजैक न्यूटन तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एप्पल, ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स या फिर ये तस्वीर? आप सोचोगे कि वो आदमी फिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन 17th सेंचुरी में एक ऐसा नाम भी था जो फिजिक्स तो छोड़ो, बायोलॉजी, मैथ्स, मैकेनिक्स और फिजिक्स भी, इन सब में जितने भी बड़े साइंटिस्ट आते थे उन सब की बराबरी ये अकेला करता था। आपको लगेगा कि अगर ऐसा है तो है कौन और हमें उसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बेरहम दुनिया ने उसके नाम को बड़ी बेरहमी से भुला दिया। बस आज की डेट में कहीं पर किसी छोटी मोटी बुक में उसका नाम दिखाई देता है, और ये सबके पीछे का एक मेन रीजन है, वो है आइजैक न्यूटन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उस टाइम की साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी थी, और उस आदमी का नाम था रॉबर्ट हुक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक का बटन जरूर से दबा देना। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रॉबर्ट हुक कौन थे और उन्होंने ऐसी डिस्कवरीज क्या की थी। रॉबर्ट हुक का जन्म 1635 में इंग्लैंड में हुआ था। माँ बाप चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर उनकी ही तरह कोई धार्मिक रास्ते पर चला जाए, लेकिन रॉबर्ट हुक के असाधारण दिमाग को कुछ और ही मंजूर था। क्रिस्ट चर्च और वेस्टमिंस्टर स्कूल से निकलने के बाद वो ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाता है, और वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड का एक बड़ा नाम रॉबर्ट बॉयल उनके साथ एसोसिएट हो जाता है। रॉबर्ट बॉयल के साथ वो गैसेस को स्टडी करता है, और बॉयल्स लॉ के फॉर्मुलेशन जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक अहम पार्ट है उसमें रॉबर्ट बॉयल के साथ रहता है। 1665 में उन्होंने माइक्रोग्राफिया इस नाम से एक बुक पब्लिश की, जिसमें पहली बार हमारी बॉडी के छोटे छोटे बॉक्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को सेल का नाम दिया गया था। और इसी बुक की वजह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में लोगों को पता चला। फिजिक्स की फील्ड में हुक्स लॉ जो कि फोर्स अप्लाइड ऑन स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन आज भी 9-10 की किताबों में पढ़ाया जाता है, स्प्रिंग की मदद से उन्होंने काफी एक्यूरेसी के साथ चलने वाली क्लॉक्स को बनाया था। 1666 में लंदन के द ग्रेट फायर के बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। लोग उन्हें कोई भी फील्ड के कोई भी काम में या रिसर्च के लिए हमेशा आगे कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि यही वो बंदा है जो हर चीज में एक्सपर्ट है। लेकिन क्यों उनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी छवि को ओवरशैडो करना शुरू कर दिया, और क्यों काफी सारी किताबों में उनके बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही लिखी गई? आइए इसके बारे में बात करते हैं। जब आइजैक न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी के थ्रू लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव कर रहे थे, तब उस समय भी रॉबर्ट हुक ने यह कह दिया था कि लाइट है वो वेव्स की तरह भी बिहेव करती है। और भी कुछ एक दो साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि जो स्प्रिंग प्रिंसिपल्स के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था उसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि उसका जो प्रैक्टिकल यूज था या उसे प्रैक्टिकल फॉर्म में लाया था वो पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था। दुनिया का सबसे पहला ग्रेगोरियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वो भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। यहाँ तक कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात भी उन्होंने की थी। जैसा कि हमने आगे बात की थी कि रॉबर्ट हुक और आइजैक न्यूटन दोनों ही ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, और इसी चीज को लेकर उनकी एक बार आमने सामने बहस भी हो गई थी। रॉबर्ट हुक ने न्यूटन को उस टाइम पर पब्लिक डिबेट का चैलेंज भी दिया था, लेकिन न्यूटन ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पहले ऐसा माना जाता था कि जो ग्रेविटेशन है उसमें ईथर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ईथर यानी कि कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बस उस टाइम का एक थियोरिटिकल सब्सटेंस था। लेकिन न्यूटन से पहले ही रॉबर्ट हुक ने ये बता दिया था कि ग्रेविटेशन को ईथर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, इसकी बजाय वो कोई दो बॉडी के बीच का फोर्स है जो कि डिस्टेंस के साथ डिफर करता है। और जब इसके बाद आइजैक न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया नाम की बुक में ये सब बातें बताई, तब रॉबर्ट हुक ने उनको क्रेडिट देने की बात की थी, क्योंकि न्यूटन के पहले ही ये वो सब बता चुके थे। लेकिन तब न्यूटन ने कहा था कि ये सब झूठी बातें हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद जब साल 1703 में रॉबर्ट हुक की डेथ होती है, तब आइजैक न्यूटन ये कहते हैं कि मैं आगे की चीज इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि मैं जायंट्स के शोल्डर पर खड़ा हूँ। लेकिन माना जाता है कि उन्होंने जब रॉबर्ट हुक से आर्गुमेंट की थी, तब ये सेम चीज उन्होंने रॉबर्ट हुक को एक चिट्ठी में लिख के दी थी। इससे वो रॉबर्ट हुक को ये बताना चाहते थे कि वो रॉबर्ट से ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। और 1703 में ही आइजैक न्यूटन रॉयल सोसाइटी के हेड बन जाते हैं, और माना जाता है कि तभी से उन्होंने रॉबर्ट हुक की इमेज को खराब करना शुरू कर दिया था। और कुछ लोग मानते हैं न्यूटन के द्वारा ही रॉबर्ट हुक की रिसर्चेज और लैब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन इस 300 सालों में काफी ढूंढने पर लोगों को रॉबर्ट हुक की बातों के बारे में कुछ किताबों से पता चला। इस पूरी चीज के बारे में आप भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये थी पूरी बात। और वैसी एक कुछ सालों बाद एक और वॉर शुरू हो गई थी, और वो थी निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन के बीच। उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।